एवरीवन, तो आज मैं दोबारा आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। सो गाइस, क्वारंटाइन में करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी स्किन को ही वाइट करें, ग्लोइंग बनाएं। तो आप अपने घर में बैठे हैं और आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना आप अपनी स्किन पर ही ध्यान दे लें। तो जो आज मैं आपके लिए एक स्किन वाइटनिंग फेस मास्क लाई हूँ, उसके इंग्रीडियंट्स आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए मास्क रेडी करते हैं। सो गाइज, दीज आर आवर इन्ग्रीडियंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेक 2 tablespoons ऑफ मुल्तानी मिट्टी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू ग्लो योर स्किन। नाउ गुलाब जल, ओनली फ्यू ड्रॉप्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक एलोवेरा जेल, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं गाइस, डिपेंड्स ऑन यू। 2 tablespoons डालेंगे गाइस। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, दैट्स इनफ। गाइस, इसमें वाटर डालेंगे एंड मिक्स इट वेल। सो या गाइस, आवर फेस मास्क ऑफ मुल्तानी मिट्टी इज रेडी। So I am back with my face mask and now I am going to apply this on my face. So आप 2 या 3 fingers से अपने face पर apply कर सकते हैं इस mask को, और अगर आपके पास brush है, मेरे पास brush है लेकिन मैं brush से अपने face पर ये mask नहीं लगा रही हूँ। I am going to apply this mask with my fingers, आप brush से भी apply कर सकते हैं। So just take your 2 or 3 fingers and just slowly apply this on your face. Guys, मुल्तानी मिट्टी इसमें इसलिए बहुत अच्छी है आपके स्किन वाइटनिंग के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ठंडी होती है। आप गर्मियों में इसे लगाएं, बहुत ठंडा फील होता है आपके फेस पे और बहुत अच्छा लगता है। गुलाब जल के तो आपको मैंने फायदे बता ही दिए थे। गुलाब जल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन को सूदिंग बनाने के लिए और बहुत वाइट करने के लिए। एंड हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड करा है। ओ माय हेयर्स, पीछे कर लूँ मैं अपने बालों को। या दैट्स परफेक्ट। एंड एलोवेरा जेल, गाइस एलोवेरा जेल तो आप वैसे भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है गाइस आपके फेस के लिए। अप्लाई इट एट नाइट एंड जस्ट ओ वॉश इट। अपने पूरे फेस पे आप इसे अप्लाई करें अच्छे से। और गाइस, मैं अपनी नेक पर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप भी करें, क्योंकि जब भी हम अगर मेकअप करते हैं तो हम अपने फेस के साथ अपने नेक को भी अच्छे से मतलब फाउंडेशन अगर हम लगाते हैं तो अपने फेस पर भी लगाते हैं, अपनी नेक पर भी लगाते हैं, तो ऐसे ही, ताकि उन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन सेम रहे। तो जस्ट लाइक दैट आपको फेस मास्क भी अपने फेस के साथ नेक पर भी अप्लाई करना है। सो गाइज, अब मैं इसे 5 मिनट तक अपने फेस पे लगाने वाली हूँ, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो
तो इसे मैं वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस कितना ग्लोइंग हो गया है। तो चलिए अभी तो वेट करना है। तो गाइज नाउ आई एम बैक और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना वाइट एंड ब्राइट मेरा फेस लग रहा है। गाइज लॉकडाउन और क्वारंटाइन में कुछ भी करने को नहीं है तो आप अपने फेस पर ही ध्यान दीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। और ये वाला मास्क आप प्लीज़ 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 ट्राई करिए, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है गाइज और इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी सच में। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये वाला मास्क ट्राई करा। अब तो मैं ये रोज़ ट्राई करने वाली हूँ, सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी रोज़ इसे ट्राई करें और अपनी स्किन को बहुत अच्छा और ग्लोइंग बनाएं। और जब आप लॉकडाउन और क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद अपने घर से बाहर निकलें तो सब आपको ही देखें और आपकी बहुत तारीफ़ करें कि यार आपने कितना अच्छा अपने आप को चेंज लाए, आप अपने मतलब फेस पे कितना अच्छा चेंज और ग्लोइंग स्किन आपने क्रिएट कर ली इस लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन का आप कुछ तो फ़ायदा उठाइए और अपनी स्किन को वाइट करिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे बहुत 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 सारा सब्सक्राइब करिए गाइस, प्लीज़ मुझे मतलब आप सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फेस मास्क कैसा लगा। टिल देन बाय 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 बाय।